नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग टेलर प्रमेय और उसका प्रूफ और साथ में हम उसका क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसमें आपको सब चीज मिलना है। सब चीज मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी, और आने वाले समय में हम फिजिक्स का भी इसमें लेक्चर डालने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस हमारे साथ बने रहना। क्या है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन है ना पता चलते जाएगा कि क्या वीडियो लेक्चर डल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आज की क्लास। देखो, टेलर प्रमेय, टेलर थ्योरम क्या होता है। मान लो एफ ए प्लस एच, ठीक है, जहां ए जो है एच से क्या है, स्वतंत्र है। एच का कोई फलन है तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेस ए प्लस आपको क्या ध्यान देना है, ये तो अभी मैं प्रूफ करूंगा इसको। आपको यहां पहले ध्यान देना है, जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो इन दोनों में यहां पर H दिया है कि A दिया है। यदि यहां पर A दिया है तो आप H के घातों में प्रसार करोगे, यहां पर H दिया रहेगा तो जो यहां पर रहेगा उसके घातों में प्रसार करोगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको पहले प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं एफ ए प्लस एच इज इक्वल एक बहुपद ए नॉट ए वन एच, ए टू एच स्क्वायर, ए थ्री एच क्यूब, डेज डेस एंड सो ऑन, ए एन एच पावर एन। ये हमने माना, इसको आप समीकरण नंबर एक मान लीजिए। अब बच्चों ये देखो, यदि हम इसको एच के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो इसके पहले देखिएगा, आपको मालूम है यदि आपके पास डी बाई डी एच एफ ए प्लस एच है और इसको एच के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमने क्या माना, ए प्लस एच को टी मान लिया। चलो, और टी मान लिया तो ये हो गया भाई डी बाई डी एच और ये आ गया एफ टी। यहां टी है और यहां एच है, अवकलन होगा क्या, नहीं होगा। इसको हम बना देंगे डी बाई डी टी और ये एफ टी और यहां डी टी बाई डी एच। ये देखिए, अब इसका अवकलन हो जाएगा एफ डेस टी मान लेते हैं, अवकलन तो होता नहीं है एफ का लेकिन डेस मना दिया जाता है, और डी बाई डी एच ए प्लस एच। तो आपने पाया क्या, एफ डेस टी के वैल्यू रखेंगे और यहां पर एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हो गया, वन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये बताने का मतलब है कि हम यदि अवकलन करते जाएंगे तो डेस डेस लगाते जाएंगे, ए प्लस एच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बताने का मतलब है। तो चलिए समीकरण एक का एच के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा पहला, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डेस ए प्लस एच, आपको दिखा दिया मैंने, एन आर जीरो होगा, ए वन एच तो ए वन आया, एच का वन हुआ, ए टू एच स्क्वायर का टू एच हुआ, ए थ्री एच क्यूब का थ्री एच स्क्वायर हुआ, डेज डेस एंड सो ऑन, ए एन एच पावर एन का एन एच पावर एन माइनस वन हुआ। ये बन गया समीकरण नंबर कितना, दो। इसके बाद एफ डबल डेस करेंगे, ये बढ़ते जाएगा, फिर ये जीरो होगा, ए टू इंटू टू इंटू वन आएगा। जैसे आप मैकलानियन प्रमेय प्रूफ किए थे ना,
बस वैसे ही आपको करना है, 3 × 2H डेज दिस एंड सो ऑन, (an(n)(n-1)h^(n-2)। फिर ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर ट्रिपल डेज में चलेंगे, a प्लस एच यहां पर आएगा, a 3, 3 × 2, 1, और यहां पर छुपा हुआ है a 4, ये आएगा 4, 3 × 2H, है ना, डेज दिस एंड सो ऑन, an का भी आपको मिलेगा (n)-1, (n-2), ठीक है, (h^(n-3)। ये इस ढंग से आएगा ये समीकरण नंबर 4। अब बहुत हो गया, कहां तक जाएंगे, h है ना, fn तक जाएंगे, a प्लस एच हुआ, यानी आपको मिलेगा (n)-1, (n-2), और लास्ट हमारे पास क्या है, 3 × 1 लास्ट जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा (a^n)। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, h के यानी a लाना है, a f a, तो h इज इक्वल 0 रखना है। सबसे पहला हमने 0 रखा तो f a मिला, और यहां पर a नॉट मिला, यानी आपने पाया a नॉट का वैल्यू f a। इसके बाद फिर से 0 रखा तो f डैश a मिला, यहां पर मिला a 1, तो आपको मिल गया a 1 इज इक्वल f डैश a। इसके बाद f डबल डैश a, यहां पर मिलेगा a 2, और ये 2 × 1, और 2 × 1 को राइट करेंगे 2 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से हमको a 2 का वैल्यू मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश a। इसी प्रकार f ट्रिपल डैश a क्या मिलेगा भाई, a 3 मिलेगा, 3 × 1 मिलेगा, और 3 × 1 को 3 फैक्टोरियल राइट कीजिएगा, तो a 3 इज इक्वल 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a पाइएगा। ये देखिएगा डेज डिस एंड सो ऑन, एफ एन ए इज इक्वल ए एन 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 माइनस वन एन माइनस टू डेज डिस एंड सो ऑन 3 × 1, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, तो इस तरीके से हमको ए एन मिला 1/(n)^(f(n)a। अब हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट ए वन ए टू डेज डिस एंड सो ऑन, ए एन का मान कहां रखेगा, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं समीकरण 1 में, क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको, f a प्लस h, a नॉट का वैल्यू f a प्लस h, a 1 का वैल्यू f डे से प्लस h स्क्वायर है ना, a नॉट h स्क्वायर कितना है, ये a 1 h, a 2 h स्क्वायर, a 2 का वैल्यू कितना है, f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल ये h स्क्वायर, a 3 का वैल्यू कितना है, ट्रिपल डैश a अपॉन 3 फैक्टोरियल h क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन, a n का वैल्यू कितना है, f n a अपॉन n फैक्टोरियल और h^(n) डैश डैश एंड सो ऑन। तो फाइनली हमें मिल चुका है f a प्लस a इज इक्वल f a h f डैश a h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं इसको, f डबल डैश a प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a प्लस डैश डैश एंड सो ऑन h^(n) अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हो गया f n a। बस इस ढंग से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो यही है टेलर का प्रमेय, और आपने प्रूफ देख लिया प्यारे बच्चों। और इसी ढंग से हमको क्या करना है, क्वेश्चन भी देखना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि log x plus h is equal log h plus x upon h minus x square upon 2h square plus x cube upon 3h cube। बच्चों मैंने कहा था कि सबसे पहले इसको देखना है, इसके हिसाब से यहां पर डिसाइड करेंगे fx को, log h दिख रहा है आपको, है ना, क्या दिख रहा है, log h, तो आपको x के घातों में प्रसार करना होगा। देखिए मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो चलिए मानेंगे यहां पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल क्या लेंगे, सॉरी एफ एच इज इक्वल क्या लेंगे यहां पर, ये देखिएगा
लॉग एच, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते जाएंगे, समीकरण नंबर एक हो गया, तब यदि हम देखें इसके जगह में हम x प्लस एच की बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा x प्लस कितना h। ये देखो इसको मान लो समीकरण नंबर दो, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक का h के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, एफ डे से एच होगा वन अपान एच, एफ डबल डे से एच होगा माइनस वन अपान एच स्क्वायर, एफ ट्रिपल डे से एच होगा माइनस वन अपान एच क्यूब, है ना। तो ये इस प्रकार है। अब क्या कीजिएगा, टेलर प्रमेय, यहां पर क्या लिखेंगे, टेलर प्रमेय से क्या जानते हैं भाई, टेलर प्रमेय से ऐसे इसको उसी वही लिख देना था ऊपर में, एफ एक्स प्लस एच क्या जानते हो भाई, एफ एच प्लस एक्स एफ डेस एच, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेस एच, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेस एच। बस इस ढंग से आपको काम करना है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक दो वह तीन का मान रखने पर, चलो देखो इसके जगह में क्या है भाई, यहां पर लॉग एक्स प्लस एच है, एफ एच कितना है लॉग एच, ये वन बाई एच, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई एच स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल कितना है, यह आएगा बच्चों हाँ, इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर आएगा h पावर माइनस टू, ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा टू अपान एच क्यूब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, टू अपान एच क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको रखिए, यहां पर आएगा टू अपान एच क्यूब डेजिस। अब यहां पर देखो लॉग एक्स प्लस एच आपको मिला लॉग एच, एक्स अपान एच, अब यहां टू फैक्टोरियल को रख देंगे वैसे टू एच स्क्वायर, और यहां थ्री फैक्टोरियल थ्री टू वन होगा, टू कैंसल होगा तो एक्स क्यूब अपान थ्री एच क्यूब, और यही हमको क्या करना था, लाना था प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसलिए हमने आपको बता रहे हैं, अब बताने के लिए इसको लिया है। यहां पर देखिए अब लॉग एक्स आ गया, तो लॉग एक्स आया तो यह एच के घातों में प्रसार होगा, और लॉग एक्स था तो एक्स के घातों में प्रसार था। चलो यहां पर हम मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स इज इक्वल कितना हो गया लॉग एक्स, या ऐसे करो समझिए, आपने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच को क्या मान लिया लॉग एक्स प्लस एच, एच को हटाएंगे एफ एक्स इज इक्वल लॉग एक्स पाएंगे। ये देखो अब टेलर का प्रमेय कैसे बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स प्लस एच तो रहेगा ही, यहां पर आ जाएगा अब एफ एक्स, इधर एच एफ डेस एक्स चेंज हो गया ना, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। आपको ध्यान देना, पहले टेलर बनाने के पहले आपको प्रूफ दिया है, प्रूफ करने के लिए, और हमने पहचाना यहां पर टेलर दिया है क्या नहीं दिया है, हमने एक्स प्लस एच को देखकर पहचाना कि ये टेलर से बनेगा, हमने पहला देखा और पहला देख करके सपोज किया एफ एक्स इज इक्वल लॉग एक्स, और हमको पता चल गया कि एच के घातों में प्रसार होना है, ये एफ डबल डेस एक्स डेस डेस एंड सो ऑन। अब समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, चलो करो, एफ एक्स हो गया वन बाई एक्स,
एफ डैश एक्स हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स हो गया टू अपॉन एक्स क्यूब। बस इसी ढंग से करना है, इसको मान लीजिए चार। अब समीकरण एक दो और चार का मान तीन में रखने पर, एक दो व चार का मान तीन में रखने पर, रखो चलो क्या मिलेगा, यह आएगा लॉग एक्स प्लस एच एफ एक्स लॉग एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स टू अपॉन एक्स क्यूब। मतलब आपको मिल गया प्यारे बच्चों, लॉग एक्स प्लस एच इज इक्वल लॉग एक्स एच अपॉन एक्स, फैक्टोरियल हटाइएगा टू एक्स स्क्वायर, यहां से फैक्टोरियल हटाएंगे टू आएगा, टू कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा थ्री एच क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन। तो यही हमको प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो दोनों समझ गए, आपको सबसे पहले क्या देखना है, पहला वाला यदि लॉग एक्स दिया है तो समझ जाना कि आप एच के घातों में प्रसार करोगे, यदि आपको लॉग एच दिया है तो समझ जाना कि एक्स के घातों में प्रसार करना है। मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर दिया है देखो एफ एक्स प्लस एच और लॉग साइन एक्स प्लस एच, एच के घातों में प्रसार दिया है मतलब एफ एक्स होगा, ये होगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये समीकरण नंबर दो। अब टेलर का प्रमेय, टेलर का प्रमेय एच के घातों में क्या होगा, यहां पर होगा एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ध्यान देना है किसके घातों में दिया है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब समीकरण दो का, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, चलो करते हैं जल्दी, क्या मिला एफ डैश एक्स लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स, मतलब आपको मिल गया कॉट एक्स, एफ डबल डैश एक्स आपको मिल गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स आपको मिल गया माइनस टू और कोसेक एक्स, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब इसका आएगा कोसेक एक्स और कोसेक एक्स का माइनस आएगा प्लस हो गया कॉट एक्स, तो फाइनली आपको मिला टू कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। तो ये देखो इन सबको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फोर। देखो तो समीकरण एक दो और चार का मान तीन में रखने पर, समीकरण एक दो व चार का मान कहां रखेंगे, तीन में रखने पर, ठीक है बच्चों चलो रख दे, क्या आ जाएगा इसका तीन में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग साइन एक्स प्लस एच, पहला आएगा लॉग साइन एक्स एच एफ डैश एक्स कितना आएगा कॉट एक्स, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स। बस इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो माइनस प्लस जो भी है कर दीजिए, यहां से फैक्टोरियल हटा दीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर। तो बच्चों इसी ढंग से टेलर का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब हम टेलर का, टेलर प्रमेय का, टेलर प्रमेय का एक्स माइनस ए के घातों में प्रसार, इसके लिए सूत्र बताते हैं, क्वेश्चन अगले में बताएंगे। इसके लिए होता है एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल
एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए डैश डैश एंड सो ऑन। यानी आपको देखना है किसके घातों में प्रसार है, एक्स माइनस ए के घातों में प्रसार है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस वन, कुछ भी दे सकता है, बस ए के जगह वैल्यू डालते जाना है। तो ये इसका फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बताएंगे आपको, बस हमारे साथ बने रहना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।